मैं डॉक्टर सीएल माहवार बीए सेकेंडरी के छात्राओं को सीमा रेखा एकांकी की पाठ सूचना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। सीमा रेखा एकांकी एक महत्वपूर्ण एकांकी है। एक ही परिवार में चार प्रकार के विचारधाराओं के व्यक्ति एक साथ रहते हैं, चारों सगे भाई हैं, पर उनकी विचारधारा में भिन्नता है। उनकी पत्नियां भी उनके पतियों का साथ देती हैं, उनकी विचारधाराओं का। इस प्रकार से एक घर के अंदर जो एक पूरे परिवार का रूप है, उसमें समाज की, देश की सभी विचारधारा एक साथ निर्वहन करती है, उसको किस प्रकार से प्रभाकर जी ने इस एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। सीमा रेखा एकांकी के पात्र एक ही परिवार के सदस्य, अर्थात एक पूरा परिवार है। उस परिवार में चार सदस्य हैं, यानी चार भाई हैं, और चार भाइयों के शादी हो चुकी है, तो चार भाइयों की पत्नियां भी हैं। एक भाई है पूंजीपति व्यापारी वर्ग का, यानी पैसे वाले वर्ग का, धनी वर्ग, व्यापार जिनके हाथों में है। तो एक भाई है व्यापारी वर्ग से, यानी व्यापार करता है, और व्यापार भी छोटा मोटा व्यापार नहीं, बड़ा व्यापारी। दूसरा सत्ताधारी नेता का जो दूसरा भाई है, जो पॉलिटिकल राजनीतिक विचारधाराओं से ओतप्रोत हैं, और एक बहुत बड़ा राजनीति के अंदर उसको पद भी है, कहें तो उसे गृह विभाग मिला हुआ है, यानी राजनीति में भी उनकी पैठ है। बड़े भाई की व्यापार में, पूंजीपतियों में। तो दूसरा जो भाई है सत्ताधारी वर्ग, राजनीति वर्ग, उसमें अपनी पेट बना चुका है, उसमें उसका अस्तित्व है, और एक मंत्री का पद उसे मिला होगा। तीसरा सरकारी अधिकारी है, तीसरा भाई है सरकारी अधिकारी, अर्थात वह है सरकारी सेवा में, राज के सेवा में एक पुलिस अफसर के रूप में नियुक्त है, यानी राज के सेवा में भी वह एक अच्छे पद पर, एक अच्छा पद प्राप्त किए हुए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीन भाई हैं उसके, एक ही परिवार में तीन भाई। पहला भाई तो व्यापारी है, जो अच्छा व्यापारी है, व्यापारियों में उसकी बड़ी अच्छी पूछ है, पेट है। दूसरा राजनीतिक विचारधाराओं का, राजनीति में उसने अपनी पेट बना रखी है, और एक अच्छा पद, एक मंत्री पद उसको मिला हुआ है। तीसरा भाई है पढ़ा लिखा है, और एक अच्छी अफसर की नौकरी कर रहा है, जो कि पुलिस के अंदर एक बड़ा अधिकारी है। और चौथा भाई निस्वार्थ जननायकों का, यानी निस्वार्थ भाव से निरीह गरीब जनता का समर्थक है, और जनता के साथ रहकर के जनता की जनसेवा का कार्य करता है। तो देखते हैं कि एक ही परिवार है, और एक ही परिवार में चार प्रकार के विचारधाराओं के लोग एक साथ निवास कर रहे हैं। बड़े एक विचित्र सी, बहुत एक परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, अक्चार विचारधाराएं एक साथ एक परिवार में, एक घर में निवास कर रहे हैं। चारों भाई हैं अपने अपने क्षेत्र में अपने अपनी विचारधाराओं का बहुत बड़ा सम्मान और अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, और इनकी चारों की पत्नियां भी अपने जो पति हैं उन पतियों के विचारधाराओं का सम्मान करते हैं। कि वाकई में नहीं, हमारे पति हैं जो कार्य कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, और उनका कार्य सही कार्य है। अतः उनकी पत्नियां भी उनके विचारधाराओं से ओतप्रोत हैं, उनकी विचारधाराओं का समर्थन करती हैं। तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि एक परिवार के चार लोग और चार की पत्नियां भी किस प्रकार से उनकी विचारधाराओं से ओतप्रोत एक परिवार में रह करके कार्य कर रहे हैं। एक समाज सेवा का काम करता है, तो एक समाज के अंदर
जो सरकारी नियम कानून है उनका निर्माण करता है, दूसरा नेता है तो अपनी राजनीति का पूरा निर्माण करता है, चौथा है व्यापारी है तो व्यापार में अपनी कुशलता अपने व्यापार का परचम फैलाता है। इस प्रकार से देखते हैं चारों भाई हैं किस प्रकार से एक ही परिवार के सदस्य होकर के कार्य कर रहे हैं। क्योंकि समाज में अब चारों विचारधाराओं के लोग हैं, समाज में एक आंदोलन आ गया है गरीब अमीरों के मध्य, और एक आंदोलन चलता है, एक भीड़ इकट्ठी होती है और भीड़ किसी को नहीं देखती, भीड़ किसी को नहीं देखती। उस भीड़ के अंतर्गत उसी परिवार का एक सदस्य जाता है, ऐसा ही है, उसको पता नहीं, निर्दोष है, लेकिन भीड़ में किसी का चेहरा, किसी का व्यक्ति, किसी का कोई नजर नहीं आता, और उस भीड़ के अंदर गोली का शिकार अरविंद जो निरीह निर्दोष जनता का प्रतीक, उसको गोली लगती है, और गोली लगने के बाद में जो मतभेद, जो भावनाएं परिवार में निकल करके आती है चारों भाइयों में, उन भाइयों के अंदर वो सीमाएँ बांध देती है, सीमाएँ बना देती है। सगे भाई हैं, विचारधारा एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, पर अब क्योंकि अरविंद है एक निरीह निर्दोष है, जनता का प्रतीक है, और गोली उसके लगती है क्योंकि गोली का आदेश हो जाता है और गोली उसके लग जाती है। जैसे ही गोली लगती है जनता इधर उधर भागती है, पता चलता है कि गोली किसके लगे तो गोली उसी के परिवार के एक सदस्य के लगे। जैसे पता चलता है तो सब लोग बाग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं चारों भाई, और आपस में एक दूसरे को दोष दोषारोपण का कार्य करते हैं। इस प्रकार से एक ही परिवार में रह करके जो एक सदस्य के रूप में सारे मिलकर कार्य कर रहे थे, एक परिवार में रूप में कार्य कर रहे थे, अब उनके मध्य अपने विचारधाराओं को लेकर के उनके पत्नियों के पत्नियों के मध्य भी उनके विचारधाराओं को लेकर के आपस में एक सीमा सी बन जाती, एक रेखा सी खिंच जाती। इसी भाव को प्रभाकर जी ने इस एकांकी में बड़ी बखूबी के साथ में उभारा। दृष्टिभेद ने सगे भाइयों के और जनता तथा सरकार के बीच सीमा रेखा खींच दी। सगे भाई, जनता और सरकार कि जो बीच का जो दायरा है, जनता का और सरकार के बीच का दायरा है, उसमें जो सगे भाई हैं चारों भाई, उन चारों भाइयों के मध्य में एक सीमा खींचती है, एक रेखा बनाती है, एक दायरा बनाती है। किन्होंने? इस विचारधारा। ये विभाजन तब तक टूटती है, विभाजन रेखा तब टूटती है जब एक भतीजे और दो सगे भाइयों का बलिदान होता है, क्योंकि जो सीमा रेखा बन जाती है, लेकिन वो टूटती भी है, लेकिन कब टूटती है? जब अरविंद जो भतीजा है उस भीड़ के अंदर भीड़ का शिकार हो जाता है और गोली उसके लग जाती है। उसके बाद दो भाई है, वो भाई भी उसके अंदर शिकार हो जाते हैं, उनका भी बलिदान हो जाता है। इस प्रकार से हम देखें कि एक ही परिवार के, एक ही वर्ग के पात्र वर्ग ही, यानी पात्र से बनाए जो वर्गों से संबंधित हैं, यानी पात्र जो बने हैं वो वर्गों से संबंधित है, किसी एक व्यक्ति से नहीं है, बल्कि एक वर्ग का प्रतीक है। उस वर्ग को वो चित्रित करता है, उसका विकास होता है, लेकिन विकास का अवसर बहुत ज़्यादा इस लेखक को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इन पात्रों के माध्यम से एक एक वर्ग का, चारों वर्गों का इन्होंने जो चित्रांकन किया है, जो उनके चरित्र की जो विशेषताओं को उकेरा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चारों पात्र हैं, चारों भाई हैं, अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने वर्ग का, वह बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से उनका निर्वहन करते हैं और किस प्रकार से एक परिवार बने करके कार्य करते हैं, और अंत में जब निरीह जनता के रूप में अरविंद का शिकार होता है, तो गोली का शिकार होता है, तो किस प्रकार से उस परिवार के सदस्य
चारों भाई उस राजनीति से, उस पूंजीपति से, उस सरकारी अहदे से, उस जनता से कैसे उनका जीवन में परिवर्तित होता है, इसको लेखक ने इस एकांकी में दर्शाया। धन्यवाद।